हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर एंड यू आर वाचिंग एन मैडर। एंड आज की वीडियो हमारी स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है, नीट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप जब भी नए नए अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपके वेलकम के लिए पूरा का पूरा फैकल्टी स्टाफ वहां मौजूद होगा। आपके सारे के सारे सीनियर्स लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे के सारे सीनियर वहां पर अवेलेबल होंगे आपके वेलकम के लिए। एंड फाइनली ओवरऑल एक लैंग्वेज में बात बोलूं तो पूरी की पूरी कॉलेज फैमिली वहां पर अवेलेबल होगी आप सभी के वेलकम के लिए। एंड अब हम हमारी बात करें तो देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम नियर अबाउट TCML, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम TCML फैमिली पर नियर अबाउट 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स है। एंड जो एनमेडर फैमिली है उसमें नियर अबाउट 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। एंड जो हमारी फैमिली है TCML फैमिली एंड एनमेडर फैमिली, इसमें नियर अबाउट हर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो। ओके, एंड पूरी की पूरी TCML फैमिली, पूरी की पूरी एनमेडर फैमिली की तरफ से आप सभी का मोस्ट वेलकम। एंड देखिए, आज के इस स्पेशल डे पर मैं आपको बस एक लाइन बोलना चाहूंगा, वो ये कि यार आपने कोई भी एम डिसाइड किया है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको चाहिए। एंड अगर आपने उस एम को डिसाइड करके उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी एंड आप काम करते गए, उस पर काम करते गए, आपने बहुत रातें, मतलब बहुत टाइम नहीं सोए होंगे मानता हूँ यार, क्योंकि यार नीट में सिलेक्शन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि और इस बार तो इतनी कट ऑफ गई है कि सोच नहीं सकते, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ओके, तो कोई ना यार, मतलब आपने एम डिसाइड किया, उस पर वर्क किया एंड यार फाइनली जब हमारा रिजल्ट आता है और हमें पता लगा कि यार हमने जो सोचा था वो हमें मिल गया है, तो यार उस टाइम जो खुशी होती है ना, उसको कोई मतलब समझ नहीं सकता। उसको बस वही बंदा समझ सकता है जिसने दम लगाई थी, जिसने उस अपने एम पर काम किया था। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, एंड देखिए, मैं यहाँ पर मेरी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वो ये कि यार जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था या फिर जब मेरा नीट प्रिपरेशन टाइम था मेरा खुद का, तो यार मैं भी सोचता था कि यार, मतलब मैं तो मेडिकल कॉलेज को जन्नत मानता था कि यार कब मुझे मेरी जन्नत नसीब होगी, कब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँगा। क्योंकि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हम दो स्टूडेंट थे, सेम जगह से बिलोंग करते थे, मतलब जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से मैं, मेरा फ्रेंड बिलोंग करता था। तो यार फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया बट मेरा नहीं हुआ। ओके, एंड ऑफ कोर्स सेकंड ईयर आया तो मुझे दोबारा एडमिशन लेना पड़ा, आई मीन कोचिंग के लिए, नीट की कोचिंग के लिए। एंड जो मेरा फ्रेंड है वो कहाँ गया, मेडिकल कॉलेज के अंदर। ओके, तो यार हमारी बात होती रहती थी सेकंड टाइम भी, कि मतलब जब वो सेकंड ईयर में जब मैं दोबारा कोचिंग कर रहा था कि यार भाई मज़ा आ गया कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एकदम मज़ा है, तो कब आ रहा है ऐसे वैसे। तो यार मतलब मेरे अंदर से भी आती थी कि यार आवाज़ आती थी कि यार मेरा सिलेक्शन कब होगा, मैं कब मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, मैं कब यार जो मेरा फ्रेंड मुझसे बातें करता है मैं कब वो फील करूंगा। ओके, तो फाइनली फिर कोई ना, अगली बार मेरा भी हो गया सिलेक्शन एंड अभी आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। एंड देखिए, आप अभी मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं होंगे तो देखिए साइड में आई बटन पर मैंने मेरे खुद के इंट्रोडक्शन की एक वीडियो डाल रखी है, साइड में आई बटन पे मिल जाएगी। ओके, एंड फाइनली अब हम हमारे काम के पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए आगे मैं अब जो भी बताऊंगा वीडियो में वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि आप अभी जहां पर हो एक टाइम वो था जब मैं भी वहीं पर था। ओके, जब भी मैं आपको, शायद मैं भी कभी फ्रेशर रहा हूँ ना। ओके, तो देखिए ऑफकोर्स आपके लिए सब कुछ नया है, न्यू कॉलेज, न्यू हॉस्टल्स, ओके, न्यू सिलेबस, नए नए रूल्स, ओके, नए नए स्टडी मटेरियल्स, ओके, सब कुछ नया है। एंड इन्हीं सभी नई चीज़ों के साथ आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि यार कैसे क्या करें, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स यार नए नए माहौल में अडॉप्ट होने के लिए थोड़े बहुत गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यार जब मैं नया नया था, जब मैं फ्रेशर्स था, तो मुझे इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया, जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाए। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि यार आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इसीलिए आप मुझे अपना एक टाइप से बड़ा भाई समझ सकते हैं। एंड देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि TCML फैमिली एंड एनमेडर फैमिली में नियर अबाउट हर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लाइक वो इंडिया हो, मतलब इंडिया का मेडिकल कॉलेज हो या फिर आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड का कोई भी मेडिकल कॉलेज हो। ओके, एंड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप एकदम बेफिक्र होके हमें ओपनली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पूरा ओपन है कमेंट सेक्शन आपके लिए। एंड अगर कोई स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कम्फर्ट नहीं है
हैं तो नो प्रॉब्लम, आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। एंड जो व्हाट्सएप लिंक है वो आपको हमारी टी सी एम एल वीडियोज़ पर मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करना टी सी एम एल एंड उसकी कोई भी वीडियो ओपन कर लेना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना एंड वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। ओके हाँ, तो देखिए मैं एक बात बताना आपको भूल गया, वो ये कि ऑफकोर्स आज इतना अच्छा टाइम है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इस टाइम पर टी सी एम एल फैमिली ने सोचा कि क्यों ना आपको कोई गिफ्ट दिया जाए, कोई गिव अवे रखा जाए। ओके तो अभी तो शायद ओनली शायद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया है नीट का, नीट यूजी का, तो कोई ना इन फ्यूचर जैसे ही नीट की काउंसलिंग पूरी की पूरी फिनिश होती है तो हम एनमेटर पर एक वीडियो अपलोड करेंगे आपको जो हमें गिफ्ट देना है। ओके या फिर गिव अवे नाम से वीडियो मिल जाएगी, जो भी होगा आपको एनमेटर पर मिल जाएगा। ओके एंड देखिए फॉर फ्यूचर अपडेट आप हमारे टी सी एम एल एंड मेडल फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी फैमिली में इंक्लूड हो जाइए ताकि आपको जो भी हम आगे वीडियोस अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए एंड आपको पता लग जाए कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके एंड देखिए एक बात मैं सीनियर्स के लिए बोलूँगा, अगर ये वीडियो कोई सीनियर देख रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, तो देखिए अगर ये सीनियर्स वीडियो देख रहे हैं तो यार इस वीडियो को आपको आपके जूनियर्स को शेयर करना है, फ्रेशर्स को शेयर करना है ताकि यार उनका थोड़ा माइंड स्ट्रेस कम हो सके, क्योंकि यार मैंने बोला ना सब कुछ नया नया है, नया कॉलेज नया हॉस्टल, तो यार मैंने बोला ना माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं नई नई चीज़ों के साथ, तो वही अगर सीनियर्स देख रहे हैं तो अपने जूनियर्स को जरूर शेयर करें एंड अगर इस वीडियो को कोई भी फ्रेशर देख रहा है तो लाइक अपने ही जैसे कोई मतलब आपका कोई फ्रेंड भी होगा जिसका भी अदर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ होगा तो यार उसे ये वीडियो शेयर करें ताकि हम उसकी भी हेल्प कर सकें, क्योंकि यार मैंने आपको पहले बताया ना कि टीसीएमएल फैमिली में नियर अबाउट हर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो मेडिकल कॉलेज चाहे इंडिया का हो या फिर आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड का कोई भी मेडिकल कॉलेज हो। ओके तो हम हमारी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे, मतलब हम हमारी तरफ से पूरी दम लगाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए एंड अगर वीडियो में दम लगा हो तो वहीं इसे लाइक करना मत भूलना। बाय।